शेख, तहज्जुद में उठने से तो क्या ये सही है? हदीस तो ज़ईफ़ दिखा रही थी, लेकिन आप बता दें कि शेख, तहज्जुद में अगर उठें तो आपकी जो जिस्मानी जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर इस तरह को दोनों दोनों सवालों का जवाब दे दें कि अगर किसी को हो गई है तो वो बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो तब भी वो पढ़ ले तो जो पिछली बीमारी है वो ख़त्म हो जाएंगी। जी देखिए, मुझे मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं है जिसमें कहा गया हो कि तहज्जुद में उठेंगे तो जिस्मानी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी इबादतें हैं, चाहे नमाज हो या दीगर इबादतें हैं, इन इबादतों के अंदर इंसान के लिए शिफा है, खास तौर से रूहानी बीमारियों से। इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है उसके दिल का मरीज होना। जी तो उसको दिल की बीमारियों से निजात मिलती है। बाकी जिस्मानी बीमारियों का मसला तो बहुत आसान है। अब ये अलग बात है कि हमारे दीन में इबादतों के दुनियावी फवायद भी हैं, लेकिन उन दुनियावी फवायद को बुनियाद बनाना इबादतों के लिए ये सही नहीं है। कई सारे लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि आप जब वो रोजे के फवायद गिनवाएंगे तो कहेंगे आप रोजा जी रखोगे तो आपको आपकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपको ये फायदा होगा, आप नमाज पढ़ोगे तो आपकी वर्जिश होगी। हमारे दीन में इबादतों का जो फायदा है वो दुनियावी फायदा असल नहीं है, असल वो इबादत है। उसके जी साथ इसमें कोई शक नहीं है कि उसके साथ उसमें दुनियावी फवायद भी आपको हासिल होंगे, लेकिन वो जो दुनियावी फवायद हैं वो तबई हैं, वो असली नहीं है। असल जी फायदा उसका है जो है इबादत, अल्लाह ताला की रजा, ये असल मकसद है। तो अगर कोई आदमी रात में उठता है, रात में जल्दी सोता है, उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, तो इंशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि उसको दुनियावी फायदा भी मिलेगा सेहत और तंदुरुस्ती के हिसाब से, लेकिन ये असल मकसद नहीं है नमाज का। अगर किसी ने इसको मकसद जी बना लिया तो उसकी नमाज की कबूलियत के लिए भी खतरा है। अगर वो इसलिए उठ रहा है कि मेरी सेहत अच्छी रहेगी, तो भाई आप सेहत के लिए उठ रहे हो, आप इबादत के लिए नहीं उठ रहे हो। बाकी आपको सेहत और तंदुरुस्ती और दुनियावी फायदा ये तो लामहाला हासिल होगा, तो आपका असल मकसद इबादत होना चाहिए। जी